भारतीय संविदा समाज कल्याण संस्था और केश कला एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता कपूरी ठाकुर मार्ग स्थित सविता समाज धर्मशाला में की गई। संस्था के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाली 11 सितंबर को महर्षि सविता जयंती मनाई जाएगी। इन दिन हर वर्ष संगठन द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है और इस बार यह कार्यक्रम 25 बार मनाया जाएगा। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व चेयरमैन रहे वीरेंद्र अग्रवाल ने भेस बहोरा का नाम जन नायक कपूरी ठाकुर मार्ग किया था, तभी से यह मार्ग उन्हीं के नाम से जाना जाता है। नाम दौलत राम सवता है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि भारतीय सवता समाज कल्याण संस्था 2500 सालों से आपका वार्षिक अधिवेशन मानती चली आ रही है और कल्याणकारी कार्य करती चली आ रही है। संगठन हमारा मजबूत है और मजबूत की तरफ हम और जा रहे हैं। आपका जिले में संगठन मजबूत है, हमारा उत्तर प्रदेश ये क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश में हम इसको फैला रहे हैं और 11 तारीख को 11 सितंबर को ये आपका वार्षिक अधिवेशन मनाया जाएगा। हम ये सबको सबके कानों में आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं जिससे कि यहाँ लोग आकर के सुने और देखें कल्याणकारी कार्यों का लाभ। करीब करीब 60-70 छात्र हैं जिनकी मार्कशीट आ चुकी हैं, उनका हम मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान करेंगे। मार्ग को लेकर भी वोट चल रहा है क्या? मार्ग ये भैंस बहोरा मार्ग था, ये ठाकुर कपूरी साहब के नाम से था, उसको अब महापौर जी के उसमें समिति द्वारा उस मार्ग का नाम बदल कर या बदलने का प्रयास किया जा रहा है कल्याण सिंह नगर के नाम से, तो हम इसका विरोध करते हैं और हमारा सवता समाज में बहुत रोष व्याप्त है इसको लेकर के। तो हमारा करबद्ध निवेदन शासन प्रशासन और उससे सबसे यही है कि उस मार्ग का नाम वही रहने दिया जाए। अगर नाम बदलता है तो क्या बदलता? नाम बदलता है तो हम आंदोलन की तरफ आगे आएंगे। मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय देने का कष्ट किया। बंधुओं, आज हमारा मेन उद्देश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही था कि हम अपनी समाज के लोगों को ये जागृत करना चाहते हैं कि भाई भारत आज हमारी जो संस्था बिखरी हुई थी उसके कम से कम दो ग्रुप, भारतीय सविता समाज कल्याण करोती और केश कत्रालय ये संगठन जो है, दो इकट्ठे होकर के हम अपने सविता ऋषि की जयंती मना रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य हमारा जो है, अपनी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना और नवयुवकों को, विशेषकर आज की महती आवश्यकता ये है, उन्हें ये जागृत करना है कि हम लोगों का जो हास हो चुका हमारी जाति का, जो हम सबसे उच्च जाति में थे, हम न्यायप्रिय व्यक्ति, हम एक न्याय करने वाले व्यक्ति थे, आज हमको कुछ रावणवंशियों ने इतना नीचे ला दिया कि आज हर व्यक्ति हमें उपहास की प्रवृत्ति से देखता है। इसलिए आज हमें अपने नवयुवकों को प्रोत्साहित करना है कि वो अपने को पहचाने कि हम किन ऋषियों की संतान हैं और हमें हमारा क्या सम्मान हमें प्राप्त था और आज हम सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं। शिक्षा पर हर व्यक्ति जोर दे रहा है, मुझे खुशी है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं और मैं उन बच्चों को और अपने भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ करके हर स्थान में हर क्षेत्र में अपना रहे हैं। मुख्य बिंदु यह है बंधु कि आज हम ये चाहते हैं कि अपने नवयुवकों को हम जागृत कराएंगे कि संगठन कहाँ से शुरू करें। मुख्य है संगठन, जो कि संगठन के ही अभाव में हम आज कुछ नहीं, थोड़ा सा पीछे पिछड़ रहे हैं। नवयुवकों को संगठित करना और संगठित के लिए उन्हें बताना कि ये संगठन परिवार से, गांव से, क्षेत्र से, तब जा कर के जिले स्तर सॉरी प्रांतीय स्तर पर हो पाएगा और देश स्तर पर हो पाएगा।